बच्चों, वेलकम टू माय चैनल सीड एकेडमी और मैं हूं आपके साथ नेहा। आज हम लोग अपना नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे एपी के नाम से भी जाना जाता है और ये क्लास 10th का है। बहुत बच्चों के मेरे पास मेल आए ऑन डिमांड। सबसे पहले हम एपी स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि एपी बहुत ही छोटा टॉपिक है और ज्यादातर पूछा जाता है, लेकिन बच्चों में बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है एपी को लेके। और इन फ्यूचर आप एपी को जीपी में भी पढ़ेंगे। एपी और जीपी दो चैप्टर्स हैं, लेकिन ये 10th में जीपी नहीं है, दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसके बारे में हम फ्यूचर में बात करेंगे, लेकिन ये क्लास 10th का चैप्टर है, जो चैप्टर नंबर 5 है। और आज ये डे 1 है जिसमें हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन के साथ साथ उसकी पहली एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो सबका ध्यान बोर्ड पर रहेगा, बहुत कॉन्सेंट्रेट होके समझेंगे। डेफिनेटली आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगी मैं। तो यहाँ पर बेटा, अगर एपी की बात की जाती है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कि एपी होता क्या है एग्जैक्टली, बेसिकली अगर आपको मैं सिंपल टर्म्स में बोलूं तो एक एपी जो होता है, एक टर्म्स का सीक्वेंस होता है कि एक बहुत तरह के नंबर्स को एक सीक्वेंस में लगा दिया जाता है और ये बोला जाता है कि ये एपी की टर्म्स में है या नहीं है। वो कई बार आपसे पूछा जाता है कि आप बताइए, या कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि दीज टर्म्स आर इन एपी, तो मतलब वो ऑलरेडी आपको बता रहा है कि ये एपी में है। लेकिन अब पॉइंट ये आता है कि वो एपी में है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पर मैंने आपको जो सबसे सिंपल फॉर्म रहती है एपी की, वो मैंने आपको लिख के दी है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का होता है a प्लस d, a प्लस 2d और आगे अप टू a प्लस n-1d। अब आप पूछेंगे कि ये मैम a प्लस d ये सब क्या है। तो यहाँ पर बेटा जो a होता है उसको हम लोग फर्स्ट टर्म मानते हैं, कि जो हमारा कोई भी सीक्वेंस शुरू हो रही है उसका जो पहला नंबर है वो हमारा क्या है, a है। क्या है हमारा, a है। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारी है a, और a प्लस डी जो है वो हमारी सेकेंड टर्म है, a प्लस 2d हमारी थर्ड टर्म है, और a प्लस n माइनस 1d जो हमारी है लास्ट टर्म बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हो n टर्म जो है वो आपकी, ये आपकी a प्लस n माइनस 1d है। यहाँ पर जो d है वो होता है कॉमन डिफरेंस, कि अगर आपको सेकेंड नंबर्स में से फर्स्ट नंबर को माइनस कर दिया जाए तो आपका जो डिफरेंस है वो सेम आना चाहिए। अगर मैं सेकेंड डिजिट में से पहले डिजिट को माइनस करती हूँ या थर्ड डिजिट में से सेकेंड डिजिट को माइनस करती हूँ, तो दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। ये आपका जो कि कोई भी सीक्वेंस एपी में है या नहीं है वो इसी चीज से पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं कि मैं यहाँ पर एक टर्म लेती हूँ, कि यहाँ पर मैंने ले लिया 3 ले लिया, एंड 3 के बाद हम 7 लेते हैं, 7 के बाद 11 लेते हैं, 11 के बाद 15 लेते हैं, इस तरीके का एक सीक्वेंस चल रहा है। तो यहाँ पर अगर ये सीक्वेंस चल रहा है और अगर हमें इसे फाइंड आउट करना है कि ये जो नंबर्स आ रहे हैं ये एपी की फॉर्म में है या नहीं है, तो सबसे पहले आपका होता है ए फाइंड आउट करना। तो यहाँ पर सबसे पहले a मींस क्या होता है, मेरी पहली टर्म। तो मेरी पहली टर्म आपके पास क्या है बेटा, मेरी पहली टर्म जो है वो है a, जो मेरी क्या हो गई, 3 हो गई। तो सबसे पहले मैंने a को फाइंड आउट कर लिया, क्लियर है। अब उसके बाद आता है फाइंड आउट करना d, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। d होता है आपका डिफरेंस, जो हमारा पीछे वाली टर्म मतलब बड़ी टर्म, क्योंकि हमेशा असेंडिंग फॉर्म में चलता है ज्यादातर, तो जो पीछे वाली टर्म होती है उसमें से पहली टर्म को माइनस किया जाता है। तो यहाँ पर मेरे पास सेकेंड टर्म जो है वो है 7 और पहली टर्म मेरे पास है 3, तो 7-3=4। तो ये मेरा क्या आ गया, आपका डी आ गया, मेरी वैल्यू डी की वैल्यू आ गई। अगर वो ये बोलता है कि ये एपी में है तो ए और डी फाइंड आउट करना है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। अदरवाइज अगर वो आपसे क्वेश्चन में चेंज करके, थोड़ा सा चेंज करके पूछता है कि क्या ये एपी की फॉर्म में है या नहीं है, तो इसके लिए सिंपल सी चीज है कि आप कॉमन डिफरेंस देखेंगे। यहाँ पर मैं पहली ये दोनों टर्म्स लेती हूँ, इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, तो 7-3=4 होता है। उसके बाद मैंने सेकेंड दो टर्म्स लिया, तो 11-7=4 होता है। उसके बाद अगर मैंने ये टर्म दोनों को लिया, तो 15-11=4 होता है।
तो मतलब ये क्या है, तीनों आपस में बराबर है, तीनों का क्या है, कॉमन डिफरेंस है, जो डिफरेंस है वो बराबर है। और जब डिफरेंस सेम आता है तो इसका मतलब है कि जो भी टर्म्स आपको गिवन है वो एपी की फॉर्म में है। होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा कि हम लोग अभी सिर्फ हम लोगों ने दो बातें सीखी है कि फर्स्ट टर्म क्या होती है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, और ये चीज एपी में है या नहीं है तो उसको कितने इजीली पता किया जाता है। तो यही से हम अपनी एक्सरसाइज 5.1 शुरू करेंगे आज, जिसमें हम 5.1 का पहला क्वेश्चन ट्राई करेंगे आज। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये बोलता है कि 4, 10, 16 और 22 ये आपको एक दिया हुआ है, ये है आंसर नंबर 1 है। इसमें बोला गया है कि फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। उसने बोला है कि ये एक एपी की फॉर्म में ऑलरेडी है, दिस इज गिवन कि ये हमारे पास एक एपी की फॉर्म में है, तो हमें चेक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि ये एपी है या नहीं है। तो यहाँ पर वो बोलता है कि आपको इसमें ए फाइंड आउट करना है, ए आपको ऑलरेडी पता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ए हमारी फर्स्ट टर्म होती है, तो यहाँ पर ए हमारी क्या हो गया, 4 हो गया। और उसने हमें क्या कहा है, और आपको डी फाइंड आउट करना है। डी फाइंड आउट होता है बेटा डिफरेंस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर लीजिए, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म कर लीजिए, मतलब जो पीछे वाली टर्म है वो अगर अपनी आगे वाली टर्म में से माइनस कर दी जाती है तो वो डिफरेंस आ जाता है। लेकिन आप ऐसे बिल्कुल नहीं करेंगे कि आप थर्ड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दे या फिफ्थ टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करें। नो, जो आपके जस्ट आपके पीछे जो आपकी टर्म है उसमें से आप अपनी पहली वाली टर्म को माइनस करते हैं तभी डी आता है। तो यहाँ पर आप कोई भी ले सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने 10-4 ले लिया, तो आपका 10-4 आपका कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। तो यहाँ आपका डी जो है 6 है। अगर आप चेक करना चाहे तो जरूरी नहीं है कि मैंने ये दोनों टर्म ली है, आप ये दोनों टर्म भी ले सकते हैं। तो अगर आप 16-10 करते हैं तब भी आपका आंसर क्या है, डी जो है आपका 6 ही आता है। तो पहला क्वेश्चन बहुत इजी था कि हमने ए और डी का क्या किया, वैल्यू को फाइंड आउट कर दिया। ओके, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है कि आपको एक सीक्वेंस दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है कि क्या ये एपी में है या नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन गिवन है बेटा कि 8 1/2 दैट इज 8 2/8 एंड 8 3/8 ये आपको एक फॉर्म दी गई है और आपसे बोला गया है कि इसका डी फाइंड आउट करना है। आपको डी कॉमन डिफरेंस है जो आपको फाइंड आउट करना है। अगर आपको डी फाइंड आउट करना है और आपको ये नहीं बोला गया है कि ये एपी में है या नहीं है तो आप निकालेंगे डी। मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि पीछे वाली टर्म में से अगर आप आगे वाली टर्म को माइनस कर देते हैं तो आपको डी मिल जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 2/8 माइनस 8 1/8 तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है, 8 से 8 कैंसिल हो जाता है, 2/8 माइनस 1/8 तो यहाँ हो जाता है 1/8। और सेम अगर मैं इन दोनों टर्म्स को लेती हूँ तो यहाँ पर हो जाता है बेटा 8 3/8 माइनस 8 2/8 तो 8 से 8 आपका कैंसिल हो जाता है और 3-2 आपका 1/8 हो जाता है। तो आपका डिफरेंस जो होता है, जो आपका डी होता है, वो आपका डी निकलता है 1/8। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके बाद होता है इस सीक्वेंस दिस एपी इज गिवन रीजन। अब उसने आगे थर्ड क्वेश्चन में उसने आपको एक सीक्वेंस दिया है और उसने कहा है कि ये सीक्वेंस क्या एपी में है या नहीं है, और अगर एपी में है तो भी आप रीजन दीजिए और अगर एपी में नहीं है तो भी आप बताइए कि ये एपी में क्यों नहीं है। तो पहला है 3, 6, 9 और 12 तो यहाँ पर 3, 6, 9 and 12 ये आपके सीक्वेंस दी गई है। तो यहाँ पर हम लोगों के पास चार टर्म है, तो सबसे पहले आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा ए क्या है। हमारा ए यहाँ पर अंडर रूट 3 है। तो यहाँ पर सबसे पहले इम्पोर्टेंट, मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा कि अगर कोई भी सीक्वेंस दी है, कोई भी टर्म्स है, और इफ यू वांट कि आप जानना चाहते हो कि ये फॉर्म एपी में है या नहीं है, तो आपको टर्म्स के डिफरेंस निकालने पड़ते हैं और देखना पड़ता है कि जो टर्म्स के डिफरेंस है अगर उनकी वैल्यू सेम है तो वो एपी की फॉर्म में है
और अगर वैल्यू सेम नहीं आती है तो मीन्स ये है कि वो एपी की फॉर्म में नहीं है। तो यहाँ पर वही चीज हम लोग चेक करेंगे। तो पहले मैं टर्म लेती हूँ, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म ले लेती हूँ। तो मैं अंडर रूट सिक्स में से क्या करती हूँ, माइनस करती हूँ अंडर रूट थ्री को। तो इसको मैं ऑलरेडी लिख सकती हूँ। अंडर रूट सिक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लोग अंडर रूट सिक्स को थ्री इंटू टू करके लिख सकते हैं। माइनस अंडर रूट थ्री हो गया, जिसमें से अंडर रूट थ्री कॉमन आता है बाहर, तो बचता है अंडर रूट टू माइनस वन। मतलब ये जो है हमारा क्या है, डी है। अगर सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया जाता है तो डिफरेंस जो है वो हमारा ये आता है। क्लियर है? अब एक डी तो हमें पता चल गया, लेकिन क्या सबका सेम डी है, वो तो हमें चेक करना पड़ेगा, तभी तो हम बोल सकते हैं कि ये एपी में है या नहीं है। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर सेकेंड और थर्ड टर्म को लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड टर्म में आपका सबसे पहले आगे नाइन आएगा, क्योंकि नाइन बड़ा है, माइनस अंडर रूट सिक्स आता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे बेटा, अंडर रूट नाइन को आप लिखेंगे अंडर रूट थ्री इंटू थ्री माइनस, और सिक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, टू इंटू थ्री लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अंडर रूट थ्री कॉमन निकलेगा, तो अंदर क्या बचता है, अंडर रूट थ्री माइनस अंडर रूट टू, ये आपका डिफरेंस आ जाता है अगर थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस किया जाता है। और आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है, इक्वल नहीं है, दोनों का डिफरेंस इक्वल नहीं है, इसलिए ये दोनों टर्म जो है वो एपी की फॉर्म में नहीं है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि द डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स ऑफ फर्स्ट सेकेंड एंड फर्स्ट एंड द डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स थर्ड एंड सेकेंड इज नॉट इक्वल, सो दैट द सीक्वेंसेस आर नॉट इन एन एपी। तो यहाँ पर ये थर्ड क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। जल्दी ही मिलूंगी आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चंस में, अपना अपना कंटिन्यू करेंगे। प्लीज जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिए। कीप वॉचिंग मी, थैंक यू।